के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर में स्वाइन फ्लू ने दिया दस्तक, जिला अस्पताल में 2 मरीज हुए भर्ती। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा 1 दर्जन मरीजों में स्वाइन फ्लू टेस्ट पॉजिटिव, इस बीमारी का इलाज देने का किया जा रहा है प्रयास। मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियों की समीक्षा। अपराधियों पर नकेल कसने के दिए निर्देश। जीआरपी ने चोरी के 33 मोबाइल सेट के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 महिलाएं भी शामिल। सीओ जीआरपी ने कहा झारखंड में बेचने के फिराक में थे आरोपी, हुए गिरफ्तार। शिरोमणि गुरु रविदास जी की 642वीं जयंती के अवसर पर जिला रविदास महासभा ने निकाली 73वीं शोभा यात्रा। भारतीय गोरखा संगठन ने निकाला पैदल मार्च और शहीद गौतम गुरुंग के प्रतिमा पर पहुंचकर दी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि। दस सूत्रीय मांग को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों का दूसरे दिन भी हड़ताल रहा जारी। 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं बीएसएनएल के कर्मी। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक बैठक। व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, दिए गए समाधान के निर्देश। झरना टोला के मरीन बस्तियों में रास्ते की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने रेल महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, कहा प्रभावित हैं 15,000 आबादी के लोग। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय के तत्वावधान में आयोजित हुआ राष्ट्रीय स्वाभिमान विषयक संगोष्ठी, दी गई अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। वक्ताओं ने कहा अब पाकिस्तान को दिया जाए मुंह तोड़ जवाब। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग ने पुष्प अर्पित कर मनाया संत शिरोमणि रविदास की 642वीं जयंती। संत रविदास के विचारों पर चलने का लिया संकल्प। पाकिस्तान के खिलाफ छात्रों ने दिखाया आक्रोश, पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का फूका पुतला, कहा मंत्रिमंडल का पद छोड़े सिद्धू। भारतीय युवा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पद यात्रा निकालकर पाकिस्तान का विरोध कर की नारेबाजी, फूका पुतला। और महदीपुर के नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, निकाला शव यात्रा, शव को फूंक कर जाहिर किया गुस्सा।